हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे कि कोई स्टॉक अपर सर्किट में जाता है तो उसको कैसे बाय करना चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैं ये स्टॉक बाय करना चाहता हूं पर बाय नहीं कर पाता हूं क्योंकि ज़्यादा सेलिंग होती नहीं है और वो अपर सर्किट में जाके बंद हो जाता है। तो काफ़ी लोग अपर सर्किट में स्टॉक बाय करने के लिए कोशिश करते रहते हैं बट ले नहीं पाते हैं और वो शेयर भागते रहता है ऊपर। तो ऐसे स्टॉक को कैसे बाय करना चाहिए, ऐसे काफ़ी लोग जो नए मार्केट में आए हैं उनके मन में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जो भी कंपनी का ऐप होगा, भले ग्रो का हो, एंजल वन का हो, या जीरोदा का हो, कोटक का हो, ICICI सिक्योरिटीज़ का हो, HDFC का हो, सभी ऐप में जब आपको वो शेयर को बाय करना चाहते हैं, मार्केट बंद हो जाने के बाद 3:30 का जो मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद में आप कभी भी इसमें इसको ऑर्डर लगा सकते हैं। इसको कहते हैं AMO ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोलते हैं इसको। यह ऑप्शन रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद में आपको कोई शेयर बाय करना है, मतलब दूसरे दिन बाय करना है जो कि आज आपको नहीं मिला अपर सर्किट में जाने के कारण, और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये शेयर अब मार्केट बन के ऊपर ही ऊपर जाने वाला है और आपको बाय करना ही है, आप 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं पर नहीं मिल रहा है। तो आपने करना चाहिए कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद उस शेयर को चूज़ कीजिए अपने ऐप के अंदर, और उसमें ऑप्शन आता है कि रेट डालना पड़ता है, तो आप उसमें चूज़ कीजिए मार्केट रेट, मतलब उसमें आप कोई भी प्राइस मत डालिए, मार्केट रेट का ऑप्शन चूज़ कीजिए, एट मार्केट प्राइस या एट मार्केट रेट जो भी आपके ऐप में ऑप्शन आता होगा उसको चूज़ कीजिए, रेट कुछ डालिए मत। आपके जो क्वांटिटी आपको बाय करना है वो डाल दीजिए और उसके बाद में AMO का ऑप्शन आता है, वो AMO पे क्लिक कीजिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो आपकी ऑर्डर प्लेस हो चुकी है, दूसरे दिन जब मार्केट खुलेगा तो आपका जो ऑर्डर लगा होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, मतलब मार्केट खुलने के पहले जो ऑर्डर्स लगे होते हैं AMO में, आफ्टर मार्केट ऑर्डर में, वही ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होकर फिर बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है जो डे टाइम में होती है। और अगर हम लोग मार्केट ऑर्डर से लगाते हैं तो हमें ऑर्डर शेयर मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, मतलब हमने मार्केट ऑर्डर से लगाया, हमने कोई रेट नहीं लगाया शेयर का, इसका मतलब ये होता है कि जो भी रेट में शेयर मिले हमें बाय करना है, ऐसे हमारी उसमें हमारी सिक्योरिटी है, हमारा उसमें हमने एक्सेप्टेंस दिया है कि जो भी रेट में मिलेगा हमें बाय करना है, तो इसलिए एट मार्केट रेट डाल देना है। पर अगर आपको एट मार्केट रेट नहीं भी डालना होगा, समझो कोई शेयर 500 रुपीज़ का है और आपको उसमें रेट डालना है 510, तो आप रेट भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको स्पेसिफिक रेट में ही बाय करना चाहते हैं और उससे ज़्यादा रेट में बाय नहीं करना चाहते तो आप रेट डालकर भी AMO ऑर्डर लगा सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। तो अपर सर्किट में ऐसे कोई जाने वाले स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं तो इस तरीके से बाय करेंगे या बाय करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ऐसे शेयर को। तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आई ट्राई टू रिप्लाई टू यू। और अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो मैं फिर से वीडियो कल या परसों बनाकर फिर से इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से अगर आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपको अपर सर्किट में जाते हुए स्टॉक को भी आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। लोअर सर्किट में शेयर को कैसे बेचना है, अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी होगी तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लोअर सर्किट में जाते हुए स्टॉक को कैसे बेचना चाहिए, इसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप इसका फ़ायदा लेकर अपर सर्किट में जाते हुए स्टॉक को, जिसमें आपको लेना ही है, ऐसे स्टॉक को बाय करने को आपको हेल्प होगी। दैट्स व्हाट आई फील। सो ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेडिंग इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू फ्रेंड्स।